हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामस्वरूप पहरवार। आज मैं एक टेक्समो का भीतरी का एक एचपी मोटर बाइंडिंग बताऊंगा। ये देखिए, अपन ने बाइंडिंग के लिए कॉइल तैयार कर ली है। इसके पहले पार्ट में हमने कॉइल बनाना बता चुके हैं। अब इस पार्ट में ये मोटर को अपन बाइंडिंग करना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखें, ये अपनी कॉइल बन चुकी है। दो दो ग्रुप में बनाएंगे, ये डबल पुल की मोटर है। चलिए अब अपन बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। ये अपना मोटर है, इस तरह से अपन सेपरेटर के लिए पेपर फंसा लेंगे। पहले 1 से 6 पर फंसाना है, 4 स्लॉट को बीच में खाली छोड़ेंगे। अब ये अपन ने एक फंसा लिया, अब इसके बीच में 4 स्लॉट छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, 1 से 6 में फंस गया, ये बीच में 4 स्लॉट छोड़ दिए अपन ने। ये 4 है, देख लीजिए। अब ये बाइंडिंग के स्टार्ट करते हैं अपन। ये 07 वायर से अपन ने 22 टर्न डाले हैं। 29 इंच की लंबाई कॉइल ली है। इस तरह से थोड़ा पतला कर लेंगे कॉइलों को आगे से, और इस तरह से हल्के से अपन एक स्लॉट के अंदर बिठा देंगे वायर को। ये देखिए दोस्तों, आसानी से बैठ गया अपना एक कॉइल। अब इन पर स्टिक डाल देंगे ऊपर से, ताकि ये कॉइल लॉक हो जाए। दोनों साइड से स्टिक फंसा देंगे अच्छी तरह से। ये 1 से 6 का बैठ चुका, अब 1 से 8 का कॉइल बिठा लेंगे अपन। ये सेपरेटर 1 से 8 में बिठा दिए हैं। अच्छा जी, आगे से थोड़ा पतला कॉइल करेंगे ऐसा, तो इस तरह से करते हुए धकाएंगे कॉइल को पेपर पे रखकर। उंगलियों की मदद से पूरे तार अंदर कर देंगे, तो इस तरह कॉइल को धकाते जाएंगे हल्का हल्का। ये अपना दूसरा कॉइल बैठ गया रनिंग का, पहला ग्रुप है उसका दूसरा कॉइल फंस चुका है। ये स्टिक डाल देंगे अब, उसके बाद कॉइल को लॉक कर देंगे स्टिक डाल के। इस पर स्टिक डाल देंगे इसके दोस्तों। अब ये अपना तीसरा कॉइल बैठेगा ग्रुप का, पहले ग्रुप का। इसका ये तार के जो जम्फर आता है कॉइल का, उसको ध्यान रखना है। ये राइट साइड से आएगा जो लेफ्ट साइड जाएगा, इसको हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। इसी तरह आना चाहिए, राइट से लेफ्ट जाएगा, राइट से राइट में नहीं रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, अपनी मोटर नहीं चलेगी, जल जाएगी। ये हल्का 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 धकाते जाएंगे उंगलियों को दबाते हुए, उंगली से दबा के कॉइल को धकाते जाएंगे, बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा इजी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अपना तीसरा कॉइल बैठ रहा है पहले ग्रुप का। ये स्टिक डाल देंगे, कॉइल को लॉक कर देंगे। अभी चौथे कॉइल के लिए सेपरेटर डालते हैं 1 से 12 पर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, गिन लीजिए स्लॉट को, 1 से 12 पे डल रहा है। अंदर इसके 10 कॉइल छूट रहा है खाली। तो ये कॉइल को सीधा कर लेंगे, यहां से पतला करेंगे, इस तरह से पतला कर लेंगे। और ये जम्फर को ध्यान रखना दोस्तों, राइट से लेफ्ट को जाएगा। और इस तरह से धकाएंगे अपन हल्का हल्का दबाते हुए। इस सेपरेटर के बीच से स्क्रैच भी नहीं आएगा, वायर पंचर भी नहीं होगा कॉइल, और आसानी से बैठ जाएगा इस तरह से। ऐसा हल्का हल्का धकाते जाएंगे, कॉइल बिल्कुल इजीली बैठती चली जाएगा। ये अपना चौथा कॉइल इंस्टॉल हो चुका है। ये सेपरेटर पेपर निकाल दिए दोनों पन्ने।
अब इन पर स्टिक लगा देंगे, इससे कॉइल लॉक हो जाएगा अपना, वायर बाहर नहीं आएगा। ये स्टिक लग गया एक साइड, इस तरह दूसरी तरफ भी लगा देंगे। सारे तारों को अच्छी तरह से कॉइल के अंदर कर स्लॉट के भीतर करना पूरा, फिर ऊपर से अपन स्टिक अच्छी तरह से लगा देंगे। ये दोनों स्टिक लग गए अपना, ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। इसको कॉइल को दबाते हुए कॉइल को शेप दे देंगे हल्का हल्का, इस तरह से हाथ से गोलाई कर देंगे। अब सेम इसी तरह अपन दूसरा साइड बिठा लेंगे। ये शेप हो गया है अपनी कॉइलों का, शेप कंप्लीट कर दिया। अब इसी तरह से अपन एक से छह में डालेंगे अगले ग्रुप को भी, सेम इसके सामने आएगा जस्ट इसके जैसा ही। अब इसमें अंदर बीच में अपन ने चार स्लॉट फिर छोड़ दिया है, एक से छह पे डल रहा है, और जो सेट डला हुआ है उसके वहां से तीन तीन स्लॉट छोड़कर पेपर डाल देंगे सेपरेटर वाले। ये कॉइल को पतला करेंगे, सीधा करके यहाँ से बिल्कुल पतला करेंगे। इस तरह से डाल देंगे उंगलियों से दबाते हुए। ये अपने दूसरे ग्रुप का पहला कॉइल बैठ रहा है दोस्तों, देखिए बिल्कुल आराम से पूरे तारों को अपन स्लॉट के अंदर कर देंगे, उसके बाद इजीली आराम से धक्काते जाएंगे, ये पूरा कॉइल इंस्टॉल हो जाएगा। ये पहला कॉइल बैठ चुका अपना, ये सेपरेटर डाल देंगे एक से आठ पर दूसरे कॉइल के लिए। ये कॉइल को सीधा कर लेंगे, बीच में बांध लेंगे ताकि वायर पूरा इकट्ठा होते हुए जाए, फैले नहीं, इधर उधर ना फंसे। यहाँ से पतला कर लेंगे कॉइल को थोड़ा, और ये वायर के जम्पर को ध्यान रखना अपने को, लेफ्ट से राइट को रखना है। ये देखिए दोस्तों, उंगलियों से दबाते हुए धक्का देंगे, कॉइल इंस्टॉल हो जाएगा बहुत इजीली। ये स्टिक फंसा देंगे दोनों साइड से अच्छी तरह से। ये अपने दूसरे ग्रुप की तीन कॉइल कंप्लीट हो गई है, लास्ट कॉइल बचेगी, उसके बाद रनिंग की दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। ये आखिरी कॉइल डालेंगे एक से बारह में, ये सेपरेटर फंसा दिए अपन ने, ये कॉइल को सीधा कर लेंगे, आगे से पतला कर लेंगे थोड़ा, इस तरह से पतला कर लेंगे। ये दोनों साइड सेपरेटर के बीच में रखेंगे और उंगलियों से दबाते हुए धक्का देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा पूरे स्लॉट के अंदर से बैठते हुए। कॉइल को धक्का देंगे बिठा लेते हुए,
ये अपने रनिंग के दोनों ग्रुप कंप्लीट हो गए दोस्तों। ये स्टिक डाल देंगे ये लास्ट कॉइल में, ये कॉइल लॉक हो गई। इसके बाद ये स्टार्टिंग डालेंगे दोस्तों 1 से 10 पर। स्टार्टिंग की अपनी दो दो कॉइल के ग्रुप है, ये 1 से 10 में और 1 से 12 में डालेगी। जो पहला कॉइल जो अपन ने बीच में चार चार स्लॉट छोड़े थे उनमें 1 से 10 पे डालेगा। रनिंग कॉइल के साइड साइड से आएगा बिल्कुल। इस तरह से पूरे वायर को अंदर कर देंगे स्लॉट में और धक्का देंगे। स्टार्टिंग का एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है दोस्तों, इसी तरह अपन दूसरा ग्रुप कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों ये वीडियो अपना बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अपन ये पार्ट 2 है इसका। अब इसके आगे का वीडियो अपन पार्ट 3 में बनाएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। अब ये वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए पार्ट 3 को चैनल को सब्सक्राइब कर लें।